नमस्कार साथियों, वेलकम टू नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। मैं हूं शिवांश। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th के ट्रायंगल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। लास्ट क्लास में हमने उस जितने भी टॉपिक है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसका इंट्रोडक्शन ले लिया था। तो उसके बेस पे जितने भी सवाल बनते हैं हम वो सारे आज ले लेंगे। पहले हम NCERT कवर करेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा सवाल उठाएंगे, एग्जाम्पलर हो गई, RD शर्मा हो गई, इन सब किताबों से। ठीक, तो मैं जल्दी जल्दी पहला सवाल आपके सामने लिख देता हूँ, फिर हम एक एक सवाल को डिस्कस कर लेंगे। जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने 5 थ्योरम्स पढ़ी थी। पहली थ्योरम थी SAS, दूसरी थी ASA और तीसरी थी AAS। ये थ्योरम्स पढ़ी थी, CPCT के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद हमने पढ़ा था किस ऑर्डर में चीज़ों को लिखा करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें हमने सारी थ्योरी कवर की है। तब आपको ये एक्सरसाइज करनी थोड़ी सी इजी पड़ेगी, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक, तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, एक क्वाड्रिलेटर दिया है ABCD। इन क्वाड्रिलेटर कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज 7.1 है ना, ट्राइंगल्स। इन क्वाड्रिलेटर ABCD, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ABCD। AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, शो डैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। पहली चीज, फिर कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो मैं आशा कर रहा हूँ आपके पास बुक है, बुक नहीं है तो भी मैंने यहाँ पे सवाल पूरा लिख दिया, फिगर भी दिया उसमें, हम बना देते हैं जल्दी जल्दी। तो सवाल पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इज इक्वल टू AD बोल रहा है। AC इज इक्वल टू AD, ये क्वाड्रिलेटरल था, AC इज इक्वल टू AD है उसमें। फिर एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB ने इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट किया, मतलब हमारा एंगल A ये पूरा का पूरा था, उसको AB ने बाइसेक्ट कर दिया। बाई का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में बांट देना, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो AB ने पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब ये छोटा वाला एंगल ये छोटा वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, दोनों इक्वल ही हैं। ये पास और दूर बनाने से छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा, ये दोनों इक्वल एंगल ही है, क्लियर। तो अगर ये भी एंगल 1 तो ये भी एंगल 1, ऐसा उसने बोला है। ठीक, फिर हमसे बोलता है शो डैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। कौन कौन से ट्रायंगल हैं? ABC और ABD, इनकी बात कर रहा है वो। तो इस ट्रायंगल्स को हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा कि देखो एक साइड तो दोनों में कॉमन आ जाएगी, ऊपर वाले ट्रायंगल में नीचे वाले में एक साइड कॉमन आ गई। उसके बाद ये एंगल उसने बराबर दिया, और ये वाली साइड भी उसने इक्वल दी। तो देखो एक ये वाली साइड, एक ट्रायंगल में देखें तो ये वाली साइड, फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाली साइड। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। इस वाले ट्रायंगल में भी दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल आ जाते हैं तो SAS की मदद से हम बोल देंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन? सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या क्या दिया है, AC इज इक्वल टू AD। फिर जैसे उसने बोला ना एंगल, उसने बोला है AB बाइसेक्ट्स एंगल A, तो हमने ये पूरी बात ना लिख के इसका रिजल्ट लिख लिया। इसका रिजल्ट लिख लिया मतलब एंगल CAB, अगर ऊपर वाले एंगल की बात करूँ तो CAB पड़ेगा इज इक्वल टू एंगल DAB पड़ेगा, एंगल DAB पड़ेगा, है ना, क्लियर। टू प्रूफ लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। टू प्रूफ में बोल रहा है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ठीक, तो इसका प्रूफ में हमने क्या लिखा, प्रूफ में क्या लिखा, दोनों ट्रायंगल्स को देखा, देखो AB कॉमन दोनों ट्रायंगल्स में, AB बराबर AB कॉमन,
कॉमन। फिर AC इज इक्वल टू AD, चेक कर लो, गिवन है AC इज इक्वल टू AD, क्यों गिवन। देन वी हैव एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये भी क्यों गिवन। अभी बोला था उसने कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। एंगल DAB, इसका रीजन भी सेम। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगी, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड लगी। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, बाय SAS ये पूरी चीज, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD, पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट में कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो होगा क्या, हर बार आपको, हर लगभग हर सवाल में ऐसे होता है, पहले आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए वो बोलता है, उसके बाद आपसे कहता है उन ट्रायंगल्स के बचे हुए हिस्सों के बारे में कमेंट करो। तो वो कैसे कमेंट करेंगे, हम CPCT की मदद से कमेंट करेंगे। मतलब जैसे हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ABC और ABD आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि CPCT के बारे में, कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए कॉरेस्पॉन्डिंग हिस्से भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो BC, अगर मैं इस ट्रायंगल से BC उठाऊं तो इस ट्रायंगल की कौन सी साइड पड़ेगी, बाद की दो वर्टेक्स, तो यहाँ भी बाद की दो वर्टेक्स BD। तो BC BC बराबर BD, ये हो गया, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करना चाहें जल्दी से नोट कर लो। लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है, क्वेश्चन टू, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD बराबर BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। फिगर भी दिया, अभी बनाएंगे फिगर भी, इसने गिवन दिया, ये गिवन हो गया। प्रूव डैट, कहता है प्रूव डैट, पहला पार्ट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, दूसरा पार्ट 7.1 एक्सरसाइज के हैं सारे सवाल, दूसरा है BD बराबर AC, तीसरा है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। फिगर भी दिए, फिगर बना लेते हैं। ABCD, फटाफट सवाल पढ़ते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, आपके सामने ABCD एक क्वाड्रिलेटरल रखा है, इन विच AD बराबर BC, AD बराबर BC, फिगर में भी उसने इन दोनों लाइन को मार्क कर दिया, सेम एक एक डंडे से मार्क किया, मतलब दोनों बराबर। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, DAB इज इक्वल टू CBA, ठीक है। कहते हैं प्रूफ डेट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ABD कौन सा है, देखो ये वाला ABD, ये छोटा वाला, ये वाला इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, तो BAC, तो वो इफेक्टिवली इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा है आपसे, इधर वाला और इधर वाला, एक ये वाला और एक ये बचा हुआ ये वाला, ठीक। कैसे करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं। देखो ये तो फिर किसी काम की है ही नहीं, ये वाली चीज़ तो किसी काम की है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको सवाल से हटा दूँ, लो हटा दिया, इसका कोई यूज़ ही नहीं है, हटा दिया, अभी के लिए हटा दिया, बाकी देख लेंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व किया, इनको मैं अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। एक ये वाला ट्रायंगल है आपका ABC, इधर ये एंगल है, इधर ये साइड है, और दूसरा वाला आपका है
ए बी डी ये वाली साइड और इधर वाला एंगल है। तो देखो जब भी तुम अगर इस फिगर को दो टुकड़ों में तोड़ रहे हो ना, तो उसका पर्पज़ है थोड़ा सिंप्लीफाई करना, पर कई बार सिंप्लीफाई के चक्कर में वो मुश्किल हो जाता है। तो दोनों को साथ साथ लेके सोचना चाहिए हमें, इसको भी और इसको भी साथ साथ लेके ही चलना चाहिए। तो देखो दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, देखो ऐसा नहीं लग रहा है ए बी दोनों में कॉमन है। देखो ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और ए बी इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो पहले पार्ट के लिए गिवन टू प्रूफ तो सीखा है, गिवन ये चीज़ है और टू प्रूफ ये चीज़ है, वो लिख लेंगे, वो तो ठीक है लिख लोगे आप भी। गिवन तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन दोनों में चेक कर लो, कॉमन है। उसके बाद ये वाली साइड बी सी बराबर है ए डी के, ये भी गिवन है, ये गिवन है। अब ये बड़ा सा एंगल ए बी सी और बी ए डी, मैं नाम लिखने के बजाय इसमें लेबलिंग कर दे रहा हूँ, इसको एंगल वन बोल दिया, इसको एंगल टू बोल दिया, उससे मेरे को ज़्यादा लंबा लिखना नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी लिखने में आसानी रहेगी, टीचर को चेक करने में भी आसानी रहेगी। तो इस एंगल का नाम हमने रखा वन, इसका नाम रखा वन। तो एंगल वन बराबर एंगल टू क्यों, गिवन, ये भी चीज़ गिवन थी। प्रॉपर्टी कौन सी लगी ये बताओ, प्रॉपर्टी कौन सी लगी, देखो ये वाली साइड दोनों में आई है ना, तो देखो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड बाय एस ए एस, ये दोनों में कॉमन आई है ना, ये वाली साइड बाय एस ए एस, दोनों फिगर्स को तुम साथ साथ लेके सोचो है ना, बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इज कॉन्गुरेंट ट्रायंगल बी ए सी, कंप्लीटेड सेकंड पार्ट। बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। याद है मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको पहले कॉन्गुरेंट प्रूफ करने के लिए बोलेगा, बाद में उसके बेस पे सी पी सी टी की मदद से कुछ रिजल्ट पूछता है, यहाँ पे वही बात है। अगर यहाँ से मैंने बी डी उठाया तो यहाँ से क्या उठाऊँगा, ए सी, वही वो पूछ रहा है। नाउ पहले लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्गुरेंट ट्रायंगल बी ए सी, तो बाय बोलो सी पी सी टी बी डी इज इक्वल टू ए सी, सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, तो वही यहाँ से अगर मैं एंगल उठाऊँ ए बी डी, ए बी डी, तो यहाँ से कौन सा उठाऊँगा बी ए सी, किसकी मदद से, बाय सी पी सी टी। थर्ड पार्ट भी सिमिलर ऐसी हो जाएगा, थर्ड पार्ट में भी ऐसी हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्गुरेंट ट्रायंगल बी ए सी बाय सी पी सी टी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ऐसे करना है, पहले लिखना कि हमने भी कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है, उसके बाद बाय सी पी सी टी ये चीज़। तो तीनों पार्ट हमने इसके कवर कर लिए, क्लियर। लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल के चैप्टर में ऐसे ही करना होता है, आप बड़ी फिगर को छोटी में तोड़ें, पर साथ ही साथ बड़ी फिगर को ना भूलें, क्योंकि छोटी फिगर में तोड़ने से कई बार कन्फ्यूजन घटने की बजाय बढ़ जाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ क्या है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन थ्री एक्सरसाइज 7.1 का ही है। ए डी एंड बी सी आर इक्वल perpendiculars to a line segment AB, show that CD bisects, अच्छा फिगर इसकी भी दिया है ना, CD bisects AB, ए बी, फिगर कैसी दी है बना देते हैं फिगर भी। डी ए ओ बी सी, ठीक ये फिगर दी है हमें। सवाल पढ़ते हैं जल्दी से। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, कहाँ है ए डी, ये रही ए डी, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, इक्वल है इसलिए सेम सेम डंडा, एक एक डंडा भी लगाया, परपेंडिकुलर तो 90 भी है। टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, शो डेट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, सी डी कहाँ है, सी डी, ये रहा सी डी, बाइसेक्ट्स
ए बी, सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट किया, ए बी को बाइसेक्ट किया मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, ये प्रूफ करना है, क्योंकि बाइसेक्ट किसको किया है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ए बी को बाइसेक्ट किया, तो ये प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन आप जब डायग्राम बनाएंगे तो डायरेक्टली ये मत बना देना कि दो डंडे इक्वल दिखा दिए, इसका मतलब तो आप ऐसा बोल रहे हो सामने वाले को कि ये गिवन है, ये गिवन थोड़ी ना है, गिवन तो बस वो वाली चीज़ें हैं, तो हम प्रूफ करेंगे बाद में, है ना। तो बस देखने के लिए हमें क्या प्रूफ करना था, इसलिए मैंने दो डंडे थोड़ी देर के लिए बना दिए। अब सोचो, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, पहले या तो आपको वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को देगा, देखो यहाँ पे कोई आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की बात तो है नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की बात तो बोली नहीं उसने, तो करेंगे क्या, पहले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हम करेंगे, फिर बाय सीपीसीटी हम बोल देंगे उसके पार्ट्स इक्वल है। क्या बोला वापस सुनो, हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे पहले, फिर बाय सीपीसीटी बोल देंगे इनके रिमेनिंग पार्ट्स आपस में क्या हैं, इक्वल है, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इसको इसको, सोचो कैसे करेंगे। तो इसको नाम देखो, मैंने तुमसे पहले भी बोला कि मैं बड़े बड़े एंगल्स के नाम नहीं लिखूंगा, मैं उनकी मार्किंग कर लूंगा, तुम भी ऐसे ही करना, बस मार्किंग करके लिख देना, इवन आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है कि मैं इसको ये एंगल बोल रहा हूँ, आप डायरेक्टली फिगर में इंडिकेट कर दें, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक। तो दोनों ट्रायंगल्स में पहले जो जो गिवन है ठीक से वो तो लिख लेते हैं, तो गिवन मैं मान के चल रहा हूँ आप लिख लोगे, टू प्रूफ भी खुद से लिख लोगे, डायरेक्टली सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ प्रूफ। देखो ए डी बराबर है बी सी के, क्यों गिवन बोला ना उसने, इक्वल परपेंडिकुलर है और फोटो भी दिए, साथ ही साथ एंगल वन बराबर एंगल टू क्यों, इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये भी क्यों गिवन हो गया। फिर ये तो एक साइड और एक एंगल ही आया, ये तो एक साइड और एक एंगल ही आया, तो क्या करेंगे इन ट्रायंगल्स को अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करो तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं इसकी वजह से, ठीक। तो इसको भी मैं पूरा पूरा नाम लिखने की बजाय मैं इसका नामकरण ऐसे कर दे रहा हूँ 3-4, अदरवाइज मेरे को पूरे पूरे नाम लिखने पड़ेंगे, चेक करने में तुम्हें भी दिक्कत, टीचर को भी दिक्कत, ठीक है। तो तुम भी एग्ज़ाम में ऐसे ही करना, नेमिंग करके ही करना। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये 2 नीचे वाला है ना 90 डिग्री वाला, एंगल 3 बराबर एंगल 4 क्यों बोलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ा था ना इसके बारे में। तो अब बताओ कौन सी थ्योरम लगी, कोई भी ट्रायंगल उठा लो, ऐसा नहीं लग रहा एंगल एंगल साइड लग गई, चेक करो एंगल एंगल साइड, 3 थ्योरम अब तक बता चुका हूँ, एक साइड एंगल साइड, एक एंगल साइड एंगल और एक एंगल एंगल साइड, तो यहाँ पे लग रही है बाय एंगल एंगल साइड। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, तुम्हें ट्रायंगल्स के नाम नहीं दिए तो नाम खुद से लिखने पड़ेंगे, पर ऑर्डर वरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी मन से नहीं लिख सकते, कुछ भी मन से नहीं लिख सकते, जब भी आपको लिखना है आगे कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो वहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की थी, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो वहाँ जाओ पहले। तो मैंने बताया था वहाँ पे कि आप एक ट्रायंगल का नाम तो अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, तो कुछ भी रख लिया, लेट्स से नीचे वाले का नाम मैंने बोल दिया डी ए ओ, ट्रायंगल डी ए ओ इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको तो आपने डी ए ओ बोल दिया, अब इसके लिए सोचना पड़ेगा। सोचने का तरीका क्या है, जब आपने डी ए ओ लिखा तो आपने क्या किया, आप सिंगल डंडे से वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल पे गए, कैसे डी ए ओ, देखो सिंगल डंडे से वर्टिकली अपोजिट एंगल की तरफ गए, ये ऐसे बोलो सिंगल डंडे से 90 वाले की तरफ गए, है ना, एक ही बात है, क्योंकि जब मैं ऐसे जाऊंगा तो यही रास्ता वही रास्ता है, सेम रास्ता है, तो सिंगल डंडे से 90 की तरफ, तो यहाँ भी ऐसे लिखना पड़ेगा सिंगल डंडे से 90 की तरफ, सिंगल डंडे से 90 की तरफ, या बोलूँ सी बी ओ लिखना पड़ेगा, सी बी ओ लिखना पड़ेगा, सी बी ओ। वापस सुनो मैंने क्या किया, मैंने तुमसे बोला इसका नाम अपने मन से कुछ भी लिख लो, पर उसका नाम उसी ऑर्डर में लिखोगे जिस ऑर्डर में आपने इसको लिखा है, तो इसको हमने मन से लिख लिया डी ए ओ। जब मैंने डी ए ओ लिखा तो मैंने देखा अपना किस तरह मैं प्रोसीड किया हूँ, सिंगल डंडे से 90 डिग्री की तरफ, जब मैं इस ट्रायंगल का नाम रखूँगा तब भी मुझे सिंगल डंडे से 90 की तरफ ही प्रोसीड करना पड़ेगा, यानी कि सी बी ओ लिखना चाहिए, ये हो गया। अब याद करो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सी पी सी टी का यूज़ करना होता है, सी पी सी टी का यूज़ करना होता है, हमसे ये हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें इस पे और इस पे जाना है, चेक करो इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है ना, ये बाइसेक्ट करने थे, याद है, लिख देते हैं कहीं टू प्रूफ
टू प्रूव बी ओ इज इक्वल टू ओ ए। जो उसने चीज़ बोली है ना कि सी डी बाइसेक्ट ए बी की, ए बी बाइसेक्ट हो गया, इसका मतलब यही है ना कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। बी ओ इज इक्वल टू ओ ए प्रूव करना था। तो देखो अब ध्यान से देख लो, ए ओ यहाँ पे फिट अगर करूँ मैं सी पी सी टी की मदद से, तो यहाँ से बाद की दो वाली वर्टेक्स होंगी, यहाँ से हमने बाद की दो वाली वर्टेक्स सुनी है ना, सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ भी सेकेंड और थर्ड यानी कि बी ओ फिट हो गया, फिट हो गया। हैंस बाय सी पी सी टी ए ओ बराबर बी ओ, क्लियर। अच्छा ए ओ बोलूँ ओ ए बोलूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो एक ही बात है, एक ही चीज़ है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया, हमने पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उसके बाद सी पी सी टी की मदद से चीज़ों को सेम दिखा दिया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लें जल्दी से।